नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर में आपके माता पिता आपके परिजन बहुत ही खुशहाल अवस्था में होंगे। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसे ही आपके घर में खुशियां बनी रहे और आपके माता पिता आपके परिजन हमेशा खुशहाल अवस्था में रहे। तो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो संजय पर। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ और आज का जो हमारा विषय है वह है सपने में खुद को या किसी और को क्रिसमस का त्यौहार मनाते हुए देखना या क्रिसमस से जुड़ी हुई कोई भी अगर जानकारी है। आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो क्रिसमस का जो त्यौहार है वह 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और यह पूरे संसार में पूरे हर्षोल्लास के साथ में और बहुत ही अच्छी तरह से इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो भी सपने हम एक से अधिक बार या कोई सपना ऐसा होता है कि जैसे कि सपने आते हैं बार बार, हमें एक ही सपना दिखाई देता है, कोई सपना हमें रिपीट होता है हमेशा, तो ऐसे जो सपने होते हैं वह आने वाले समय में हमको कुछ ना कुछ फल देकर के जाएंगे, चाहे इसके फल अच्छे हो चाहे खराब हो, लेकिन इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे सपनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो क्रिसमस का जो त्यौहार होता है ये खास करके ये भगवान से जुड़ा हुआ कोई मतलब गॉड से रिलेटेड यह सपना होता है। तो सपने में किसी भगवान को देखना अपने आप में एक बहुत ही शुभ सपना होता है। तो क्रिसमस का त्यौहार अगर आप देखते हैं अपने सपने में तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, खास करके उस जातक के लिए जो बहुत दिनों से दुखी थे या तो फिर परेशानी में चल रहे थे या उनकी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रही थी। तो यहाँ पर यह सपना आपको इंडिकेट करता है कि निकट भविष्य में आपकी सारी जो उलझने हैं जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियां आने वाली हैं। यही चीजें अगर कोई महिला देखती है तो उसके ऊपर भी लागू होता है। यदि आप सपने में देखते हैं कि आप क्रिसमस का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं अपने घर में बहुत ही अच्छी तरह से, और अगर आप क्रिश्चियन भी नहीं हैं, अगर आप क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम इस धर्म से रिलेटेड भी नहीं है लेकिन फिर भी हम ऐसा सपना देखते हैं, तो यह सपना भी आपको अच्छा ही इंडिकेशन देता है। यह सपना आपको बताता है कि अगर आप परेशान हैं या तो आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, आपको आने वाले समय में कोई अच्छी न्यूज़ और कोई अच्छी गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। तो अगर देखा जाए तो यह सपना बहुत ही अच्छा माना गया है। यदि आप सपने देखते हैं कि आप क्रिसमस के त्यौहार पर तो आप कैंडल जला रहे हैं, आपको गॉड की या तो फिर भगवान की आप पूजा आराधना कर रहे हैं, तो यह भी एक बढ़िया सपना होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सपने में भगवान को देखना, भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ देखना बहुत ही शुभ होता है अपने आप में। तो यह कुल देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा सपना है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव्स में, ताकि ऐसी रोचक जानकारी उन्हें भी मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए सीरीज में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।